नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल रोस्टिंग रिव्यू में। तो गाइज, आज का जो वेब सीरीज है ना, वो बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही मसालेदार और बहुत ही हॉट सीन और न्यूड सीन, मतलब कि क्या बताएं यार, बहुत शब्द कम पड़ जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार वेब सीरीज का रिव्यू करने वाला, तो वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहिए। और चलिए वेब सीरीज का मैं बता देता हूँ, और ये उल्लू एप्लीकेशन का यानी कि उल्लू ऐप पर ही ये वेब सीरीज आपको देखने को मिलेगा। इस वेब सीरीज का नाम है ले दे के बोल, ले दे के बोल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ले दे के बोल के मतलब कि बहुत ही मजेदार वेब सीरीज है। तो मैं वेब सीरीज का मतलब कि रिव्यू करूं, उससे पहले आप लोग से एक ही और उन्हें भी नहीं प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप आसानी से कोई भी वेब सीरीज हो आसानी से देख सके। और मैं आप लोग को एक सीक्रेट भी रिवील करने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए कि आप ये वेब सीरीज जो है कैसे देख सकते हैं। अदरवाइज आप अगर प्लान लिए हैं तो प्लान के अनुसार ही देख सकते हैं, बट मैं यहाँ पर उस प्लान की बात नहीं करूँगा, ठीक है? क्योंकि उल्लू एप्लीकेशन पर जो भी देखता है उसको प्लान लेना पड़ता है, उसको मतलब कि रिचार्ज करना पड़ता है, तब जाकर आप कोई भी वेब सीरीज देख सकते हैं। तो चलिए पहले इसका स्टोरी शुरुआत करते हैं कि ले दे के बोल में स्टोरी में क्या होता है। होता क्या है कि एक लड़का अपने पेरेंट्स के साथ एक लड़की को देखने जाता है। अब लेकिन देखने जाता है तो अच्छा से मेहमान नवाजी तो सब चीज़ होता है। उसके बाद इसके जो लड़के के माता पिता होते हैं वो हंसी मजाक में ही बहुत सारा दहेज मांग लेते हैं कि हमको ये गाड़ी चाहिए, हमको इतना पैसा चाहिए, मतलब कि सारा चीज़ वो अपना डिमांड रखते हैं। अब ये लड़के वाले जो लड़की वाले के जो पिता माता पिता होते हैं वो क्या करते हैं कि मतलब कि आसानी से मतलब कि चुपचाप सुनते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि लड़का जब होता है, लड़का का जो पिता होते हैं वो जाकर कहते हैं क्या कि हम लोग तो बात मतलब कि ऐसे तो चलता रहेगा, लड़का और लड़की को आपस में बात विचार कर लेने दीजिए। तो इन लोगों को कमरे में, एक कमरे में भेज दिया जाता है, और कमरे में इसके पिता जी बोलते हैं कि बेटा कुंडी लगा लेना। तो बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है वो लड़की वाले के माता पिता को कि ये बाप होकर कहता है कि कुंडी लगा लो। तो वहाँ पर एक समाप्त होता है। उसके बाद क्या होता है कि कमरे में जब बंद करते हैं तो उसी समय क्या करता है कि ये जो लड़का रहता है बहुत ही टाइप ठरकी टाइप का रहता है, ये क्या करता है क्या कि उसके साथ संभोग यानी कि रोमांस करने के लिए, संभोग करने के लिए उसको उतावलापन कर देता है। उसके बाद ये लड़की कहती है कि हमारे तो अभी तक शादी भी नहीं हुई तो हम ये कैसे कर सकते हैं। तो उसके तो वो लड़का बोलता है क्या कि नहीं नहीं नहीं, अब तो बात हो ही रहा है, बाहर तो बात हो ही रहा है, अब तो शादी हो ही जाएगा। तो क्या होता है कि मतलब कि उसके साथ संभोग किसी भी तरह कर ही लेता है। उसके बाद क्या होता है कि लड़की भी बोलती है क्या कि अरे बेड पे तो हम नहीं कर सकते क्योंकि बेड आवाज़ करता है। तो क्या करता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम फर्श पे ही कर लेंगे। तो फर्श पे ही करने के लिए वो राजी हो जाती है लड़की। उसके बाद लड़की बोलती है क्या कि प्रोटेक्शन लाए हो। तो वो लड़का क्या होता है कि सलाह मतलब कि साथ में ही कंडोम का पैकेट लेकर आया रहता है। उसके बाद उसके साथ संभोग करने लगता है। अब क्या होता है क्या कि लड़की जो है उससे खुशी नहीं हो पाती है। अब दोनों बाहर निकलते हैं कमरे से। उसके बाद क्या होता है कि लड़की खूब मुस्कुरा रही होती है और उसको देखकर मुस्कुरा रही होती है। उसके बाद लड़के का जो बाप रहता है वो कहता है कि ठीक है तो शादी तय किया जाए। तो जैसे ही हाथ मिलाने जाते हैं लोग, मतलब कि उसके पिता और इसके पिता दोनों हाथ मिलाने जाते हैं, तभी लड़की रोक लेती है, कहती है कि नहीं नहीं नहीं, हम ये शादी नहीं कर सकते क्योंकि माता पिता तो चाहते हैं क्या कि मेरी बेटी किसी के भी घर में जाओ तो खुश रहें, लेकिन मैं तो इससे खुश कभी हो ही नहीं पाऊंगी। अब वो लोग समझ नहीं पाते कि किस बात का कहती है। अब अचानक क्या करती है कि खुल कर बोल देती है, कहती है क्या कि आपके लड़के के तो इतनी सी है तो मैं कैसे खुश रहूंगी। अब ये मतलब कि उसके माता पिता ऑकवर्ड फील करते हैं कि अरे मेरी बेटी ऐसे कैसे बोल सकती है। लेकिन बाद में क्या होता है क्या कि उसके माता पिता उस पर प्राउड करते हैं, प्राउड फील करते हैं कि हाँ चलो मेरी बेटी तो मतलब कि प्राउड फील की है कि हाँ मेरी बेटी खुलकर बोली है। अब यहीं पे ये कहानी स्टोरी समाप्त हो जाता है। तो इसमें कमरे के अंदर जितने भी सीन हैं सब आपको सीन देखने को मिलेगा। तो आप लोग अगर ये वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको आसानी से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आसानी से आप कोई भी वेब सीरीज हो, चाहे यहीं क्यों ना वेब सीरीज हो, कोई भी वेब सीरीज हो, उल्लू का हो, कुकू का हो, या कोई भी हॉटस्पॉट का हो, या कोई भी वेब सीरीज हो, आप लोग आसानी से देख सकते हैं। व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए और अपना वेब सीरीज का नाम बताइए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है? तो वीडियो में बस इतना ही, और चलिए मिलते हैं एक नए वेब सीरीज के साथ, तब तक के लिए। और चैनल पर यार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोग को यार बताना पड़ता है, एक लाइक जरूर कर दीजिए और बेल घंटी को प्रेस करके कर दीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है? तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले वेब सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।